एक चुनाव एक देश की राह जो है आसान हो चुकी है। मोदी कैबिनेट की तरफ से एक चुनाव और एक देश का जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी प्रस्तावित होना लोकसभा में बाकी है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लोकसभा सांसद मनोज तिवारी। सर, कैसे देखते हैं इसको, एक राष्ट्र एक चुनाव? ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा, जो धन की बर्बादी होती है वो रुकेगा, एक बार में चुनाव हो जाएगा। दूसरा, मत प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा एक बार टाइम निकालना है, सारे वोट दे देने हैं। लोकसभा में कौन रहेगा, विधानसभा में कौन रहेगा, निगम में कौन रहेगा, पंचायत में कौन रहेगा। वैसे ही एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो बार बार आचार संहिता लग जाती है, तो 5 साल में 2.5 साल तो आचार संहिता लगती है, जिसमें हम कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते, उसका भी हम 3-4 महीने में चुनाव ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी देश को सही मायने में डेवलपमेंट रिलेटेड आगे बढ़ाना चाहता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन का जरूर उसका समर्थन करेगा। लेकिन लोकसभा में शीतकालीन सत्र में इसको प्रस्तावित किया जाना है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कितना मुश्किल रहेगा और कितना आसान रहेगा, ये तो मोदी कैबिनेट नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष अगर सकारात्मक रूप से उसको देखेगा तो ये विपक्ष के लिए भी फायदेमंद है, इस देश के लिए फायदेमंद है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष इस पे सकारात्मक विचार करें, इसको बिना समझे इस पे बयान देना नकारात्मक वो ठीक नहीं होगा। बात करने के लिए तो ये थे मनोज तिवारी लोकसभा सांसद, जिन्होंने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है बिल्कुल देश के लिए अच्छा है और सकारात्मक विपक्ष भी इसको लेकर सोचे। कैमरा पर्सन राधे के साथ मैं आरती राय, A1 TV दिल्ली।